तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आप सभी क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के साथ करनी है बहुत ज़रूरी बात, तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी दुआएं और बधाइयां एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों को पता होगा, सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि कल से मैट्रिक का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। कल यानी कि 14 फरवरी से टेंथ क्लास का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों को अपने रूटीन के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है और जाकर आप लोगों को अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट दिन जो है ना मैथ ही का एग्ज़ाम है, तो आप लोग केयरफुली जाए एग्ज़ाम दे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उन सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ जो एग्ज़ाम के पहले स्टूडेंट के माइंड में घूमते रहते हैं। स्टूडेंट के माइंड में एग्ज़ाम से पहले ढेर सारे कंफ्यूजन होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, अगर क्वेश्चन छूट गया तो क्या करें, नहीं पता तो क्या करें, एग्ज़ाम में लाइन छोड़ कर लिखे या फिर बिना लाइन छोड़े लिखे। तरह तरह के कंफ्यूजन क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं। उन सभी कंफ्यूजन और उन सभी टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। यानी कि आज के इस वीडियो में एग्ज़ाम के पहले की जितनी भी कंफ्यूजन होती है, जितनी भी क्वेश्चन होती है, वो सारा क्वेश्चन, सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाने वाला है। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं बातें करूँगी और हर एक कंफ्यूजन को क्लियर करूँगी। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने से पहले मेरी तरफ से और इस एकेडमी के सभी शिक्षकों की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा आशीर्वाद, दुआएं और बधाइयां एग्ज़ाम के लिए। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को, बेस्ट ऑफ लक। इस एकेडमी के सभी शिक्षकों की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जाएँ एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच कर अच्छे से एग्ज़ाम दें। और मैं गॉड से प्रे करूँगी कि एग्ज़ाम के समय आप लोग के कलम में इतनी ताकत आ जाए, आप लोग के हाथ में इतनी शक्ति आ जाए कि आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर एकदम सही सही लिख कर आए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम सही सही लिख कर आए और सही सही बना कर आए, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग का एग्जाम जाए। और एग्जामिनर के कलम में इतनी ताकत हो कि जब वो आप लोग का कॉपी चेक करे तो एकदम अच्छे तरीके से चेक करे और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके और आप अपने एरिया के टॉप ऑफ द बेस्ट बन सके। ये ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी विद्यार्थियों को इस एकेडमी के सभी शिक्षकों की तरफ से। अब बढ़ते हैं आगे, स्टूडेंट के माइंड में जो भी कंफ्यूजन होता है अब उन सभी कंफ्यूजन पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस सब्जेक्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम है ना, सब्जेक्ट के अनुसार, विषय के अनुसार डेली लाइव लिया जाएगा इस ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हर रोज़ शाम 6 बजे डेली लाइव शाम 6 बजे होगा। आप लोगों को हर रोज़ 6 बजे इस ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में जुड़ जाना है और हर रोज़ शाम 6 बजे आप लोगों को लाइव क्लास अटेंड करना है। जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है ना, जिस विषय का, उसके एक दिन पहले उसी सब्जेक्ट का लाइव करवाया जाएगा। जैसे कि कल आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम है, तो कल जब आप लोगों का मैथ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो उसके एक दिन पहले यानी कि आज आप लोगों का लाइव होगा। लेकिन आज शाम 6 बजे नहीं, सिर्फ आज 4 बजे लाइव होगा। आज भर सिर्फ 4 बजे लाइव होगा, उसके बाद से कल से जिस सब्जेक्ट का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा उसके अनुसार हर रोज़ शाम 6 बजे, मतलब आज भर सिर्फ 4 बजे अमित सर के द्वारा लाइव लिया जाएगा और एकदम मैथ का ज़बरदस्त क्लास चलेगा। आज 4 बजे ज़रूर जुड़िएगा, उसके बाद से कल से 6 बजे डेली लाइव होगा। तो 6 बजे आप लोगों को हर रोज़ ज्ञापन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाना है और ऑल सब्जेक्ट का, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसी सब्जेक्ट का लाइव लिया जाएगा उसके एक दिन पहले, ज़रूर अटेंड करना है। ठीक है, ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आंसर शीट हमें मिलता है, कॉपी कैसे लिखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो चलिए बता देती हूँ, मैं कॉपी ले लेती हूँ। देखिए, इसको मान लीजिए आंसर शीट, आंसर शीट कहते हैं जिस पर आंसर लिखा जाता है। तो आप लोग इसको आंसर शीट का नमूना बोल सकते हैं, समझ लीजिए कि ये क्या है, आंसर शीट है, जबकि ये रियल का आंसर शीट नहीं है। रियल का जो होता है ना, उसके फ्रंट पेज पर आप लोगों का क्या रहेगा, फ्रंट पेज है ना ये, हाँ, फ्रंट पेज पर फोटो रहेगा, नाम लिखा रहेगा, जो भी आप लोगों का इंफॉर्मेशन है वो लिखा रहेगा और आप लोगों को रोल कोड, रोल नंबर वगैरह जो भी भरना रहता है वो आप लोग फर्स्ट पेज पर भरते हैं। ठीक है, तो आंसर शीट रियल का जो होता है ना वो अलग होता है, लेकिन इसको समझ लीजिए क्या है, आंसर शीट है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आंसर शीट में आंसर को कैसे लिखना है, यानी कि कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आप लोग को, आंसर शीट भी मिल जाएगा। तो आंसर लिखने से पहले आप लोग एकदम फोटो लगा रहेगा, आप लोगों का नाम भी लिखा रहेगा, तो रोल कोड, रोल नंबर सबसे पहले ध्यान से भर लेना है। रोल कोड, रोल नंबर में गलती नहीं करना है, ध्यान से केयरफुली आप लोग रोल कोड, रोल नंबर को भरेंगे। ठीक है, भर लिए और भर लेने के बाद तब आप लोग को क्या करना है कि अब आप लोग को कॉपी में यानी कि आंसर शीट में आंसर लिखना स्टार्ट करना है। अब देखिए क्या करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो लाइन खींचा हुआ है ना, इसी लाइन को लाइन मानकर और यहाँ पर लिखते हैं 1 का आंसर और फिर आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलत तरीका है। सबसे पहले तो आंसर लिखने से पहले आप लोगों को आंसर शीट को 4 भागों में मोड़ना पड़ता है।
फोर फोल्ड करना है आप लोगों को। कैसे? तो आप मान लीजिए ये आप लोगों का आंसर शीट है, इसको चार भागों में मोड़ना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका डबल फोल्ड करेंगे इस तरह। देखिए मैं आप लोगों को कर बता दे रही हूँ कि आप लोगों को कैसे चार भागों में मोड़ना है। सबसे पहले आंसर लिखने से पहले आप लोग क्या करेंगे, आंसर शीट को चार भागों में मोड़ेंगे, यानी कि फोर फोल्ड करेंगे। कैसे? तो देखिए सबसे पहले इस तरह ले लेना है आप लोग को आंसर शीट, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको उठाकर इस दूसरे वाले हिस्से पर ऐसे रख देना है, कोना को मिला लेना है ऐसे, और अच्छे से इसको मोड़ देना है। आप लोग को दिख रहा होगा ये हो गया डबल फोल्ड, देखिए डबल फोल्ड हो गया 1 2। अब इसको फोर फोल्ड करना है तो क्या करेंगे, एक बार और ये वाला जो हिस्सा है दूसरे वाले हिस्से पर फिर से ले जाकर रखेंगे और फिर मोड़ देंगे, कोना अच्छे से मिला लेना है ताकि सीधा ये जो है ना मुड़े। तो ये हो गया। अब इसको खोलेंगे तो दिखेगा आप लोगों को 1 2 3 4 फोर फोल्ड, ये चार भागों में आप लोगों का आंसर शीट मुड़ गया। इसी तरह आप लोगों को भी आंसर शीट को मोड़ना है, और ध्यान रहे जो आप लोगों को आंसर शीट मिलेगा ना वो मोटा होगा, थोड़ा सा मोटा होता है तो फोर फोल्ड करने में दिक्कत होता है। जब आप लोग इस तरह फोर फोल्ड करेंगे ना, चार भागों में मोड़ेंगे, तो मोटा होने की वजह से वो फोर फोल्ड में मुड़ेगा नहीं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले डबल फोल्ड कर लीजिए। ये आप लोगों का आंसर शीट है ना, मान लीजिए मोटा वाला है, मोटा मिलता है आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों को डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड कर लिए, उसके बाद से खोल लेना है। खोल लेने के बाद ये वाला जो हिस्सा है, जो बीच में ये लाइन बन जाता है डबल फोल्ड करने के बाद, ये सीधा बीच में लाइन बन जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा है पहला वाला हिस्सा, इसी लाइन में ले जाकर मिला देना है और फिर इधर से ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद से फिर ये वाला जो है ना, इधर से लाकर इसी लाइन में मिलाते हुए ऐसे मोड़ देना, मतलब दोनों तरफ से इस तरह मोड़ देंगे तो ये जो है ना फोर फोल्ड में मुड़ जाएगा। 1 2 3 4 फोर फोल्ड में मुड़ गया। इस तरह आप लोग करेंगे, चार भागों में मोड़ दिए। अब आप लोग को आंसर लिखना स्टार्ट करना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर नंबर डाल लेते हैं, एक नंबर। चलिए मैं आप लोगों को लिख कर बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर डाल देते हैं और फिर उत्तर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों को नहीं करना है, इस तरह आप लोगों को नहीं लिखना है, एक नंबर डालकर उत्तर। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं, इस तरह आप लोगों को नहीं लिखना है। आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, इसको चार भागों में क्यों मोड़ा गया, मैं इस आंसर शीट को चार भागों में क्यों मोड़ी। देखिए इस तरह आप लोगों को नहीं लिखना है, इसको काट दे रही हूँ मैं। इस आंसर शीट को मैं चार भागों में क्यों मोड़ी, इसको इसलिए मोड़ा जाता है चार भागों में, ताकि एक हिस्सा में नंबरिंग किया जाए, नंबर डाला जाए, क्वेश्चन नंबर जिसका आप लोग आंसर दे रहे हैं, और बाकी तीन हिस्से में लिखा जाता है। इसीलिए इस पेपर को, आंसर शीट को हम लोग चार फोल्ड करते हैं, फोर फोल्ड में इसको बांट देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब ये जो खुद से लाइन खींचा है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप लोगों को ये चार हिस्सों पर ध्यान देना है। चार हिस्सा ये जो बट गया है ना, चार हिस्सों में, इसमें एक हिस्सा में आप लोगों को क्या करना है, नंबरिंग डालना है ये वाले एक हिस्से में, और बाकी तीन हिस्सा में आप लोगों को आंसर लिखना है। इससे अब कोई मतलब नहीं है, अब ये खींचा हुआ है नहीं खींचा हुआ इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को आंसर कैसे लिखना है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई, एक नंबर डालकर बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर लिख देते हैं और फिर आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर लिखना है। प्रश्न का उत्तर मिलाकर बनता है प्रश्नोत्तर, यानी कि जिस भी नंबर का आप लोग आंसर लिखना चाहते हैं ना, लिखे सबसे पहले प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर। और मान लीजिए आप लोग एक नंबर का आंसर लिखना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर डैश देकर एक लिख दें, दो नंबर का लिखना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर दो लिखें। इस तरह आप लोग को करना है, प्रश्नोत्तर लिखकर जिस भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना चाहते हैं उस नंबर को डाल दीजिए और आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक नंबर का देना चाहते हैं तो एक, दो नंबर का देना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर दो, तीन नंबर का देना चाहते हैं तो प्रश्नोत्तर तीन। इस तरह आप लोग को प्रश्नोत्तर लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, जिस भी क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देखना है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, याद है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को बनाएं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह करते हैं, वो प्रश्नोत्तर मतलब एक दो करके ही, मतलब वो सीरियल वाइज ही आंसर लिखते हैं, एक लिखेंगे फिर दो का आंसर लिखेंगे फिर थ्री का लिखेंगे फोर का, ये ज़रूरी नहीं है। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर पता है ना, वही क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिखे। एक नंबर नहीं पता है छोड़िए, एक नंबर का मत लिखिए, दो नंबर का पता है ना तो सबसे पहले दो नंबर का ही लिखिए। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर तक नहीं पता है, पाँच नंबर का आंसर पता है तो लिखिए प्रश्नोत्तर पाँच। सबसे पहले पाँच को ही लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक दो तीन सीरियल वाइज ही लिखे, नहीं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, सबसे पहले उसी को बनाएं, उसी को लिखें, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक और ज़रूरी बात, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखी हूँ कि वो क्वेश्चन लिखते हैं फिर आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर आंसर लिखते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर क्यों डाला जाता है, क्वेश्चन नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन का आंसर है। तो जब आप नंबर डाल दिए हैं तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत क्या है, प्रश्नोत्तर एक डाल दिए ना, यानी कि एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ये,
जो एक नंबर प्रश्न का है, एक नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर है, ये आप लोग लिख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखी हूँ क्वेश्चन लिखते हैं फिर आंसर लिखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, प्रश्नोत्तर लिखकर जिस भी क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना चाहते हैं उस नंबर को डाल दीजिए और आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन लिखने में आप लोग का समय चला जाएगा और उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आप लोग को क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। ध्यान रहे, जिस भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर सबसे पहले पता है, याद है, उसी को सबसे पहले बनाएं। 7 नंबर का 1 2 3 4 5 6 नहीं पता है, 7 नंबर पता है तो सबसे पहले 7 ही नंबर बनाइए। और हाँ, खंड अ और खंड ब ध्यान में रखना है। खंड अ खंड ब में भी देता है, जैसे कि खंड अ में आप बोल सकते हैं 8-10 क्वेश्चन दे देगा, खंड ब में भी देता है। तो जिस भी खंड का आप लोग आंसर बना रहे हैं, जिस भी खंड का आप लोग आंसर लिखना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर लिख दे बड़ा में खंड अ, ठीक है। खंड अ का बना रहा है तो खंड अ और इस तरह लाइन खींच दे। जरा मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। देखिए, जिस भी खंड का आप लोगों को आंसर लिखना चाहते हैं खंड अ का, तो ऊपर खंड अ लिख दे और इस तरह डैश दे दे और यहाँ से खंड अ का क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करें। प्रश्नोत्तर इस तरह लिखना है, 1 नंबर का देना चाहते हैं तो 1 नंबर लिखिए, 2 नंबर का देना चाहते हैं 2 नंबर लिखिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सबसे पहले याद है उसी को लिखना है इस तरह, और खंड अ खंड ब डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात, अब बात कर लेते हैं जरा इंग्लिश की। इंग्लिश में आप लोग कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन लिखना है शॉर्टकट में, जिस तरह आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन, और उसके बाद से जिस भी जितना नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखकर शॉर्टकट में इस तरह लिखना है। देखिए, क्यू यू ई फिर डॉट देकर और क्वेश्चन नंबर डाल देना है 1, ठीक है। मान लीजिए 2, 1 का नहीं पता है, 2 का पता है तो 2 लिख दे रही हूँ, 2 का, और फिर आंसर लिख देना है ऐसे, और आप लोग को आंसर देना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 फिर आंसर, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है और यहाँ पर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह आप लोग को इंग्लिश में लिखना है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पर हिंदी में आप लोग को बताना ज़रूरी था प्रश्नोत्तर लिखना है, और जिस भी क्वेश्चन का आप लोग को आंसर याद है सबसे पहले उसी को बनाएं। और कभी भी निबंध वगैरह लिखना स्टार्ट करें ना, या फिर खत वगैरह, लेटर वगैरह इंग्लिश में, या फिर ऐसे इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो या फिर उर्दू में, कभी भी एक नए पेज से शुरुआत करें। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए और 2 का जो है ना आंसर यहाँ तक आकर ख़त्म हो गया, यहाँ तक आकर ख़त्म हो गया। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं से ही क्या करते हैं, आप बोल सकते हैं पत्र लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से पत्र लिखना स्टार्ट कर देते हैं या फिर निबंध लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर भले ही दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए यहाँ तक, लेकिन कभी भी आप लोग निबंध या फिर पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक फ्रेश पेज, यानी कि यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे एकदम ऊपर से। टाइटल डालना है, जिस भी टाइटल पर आप लोग को निबंध लिखना है टाइटल डाल दीजिए और फिर निबंध लिखिए, या फिर पत्र लिखना है तो पत्र लिखिए एक नए पेज से। भले ही ये आधे पेज पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता हो, लेकिन आधे पेज से आप लोग को स्टार्ट नहीं करना है पत्र या निबंध लिखना। आधे पेज में ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर दूसरा कोई क्वेश्चन लिख देना है, लेकिन कभी भी नए पेज से पत्र निबंध लिखना स्टार्ट करना है। हिंदी में हो, उर्दू में है, या फिर इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। अगर उर्दू में दरख्वास्त वगैरह लिखना है, ठीक है, खत वगैरह लिखना है या फिर मजमून लिखना है, तो नए पेज से ही शुरुआत करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा उर्दू में आप लोग कैसे लिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। और हाँ, एक और बात, लाइन छोड़ कर लिखें या फिर लाइन बिना छोड़े लिखें, ये स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन रहता है। तो बता दूँ कि ये आपके मर्जी के ऊपर है, ये तो आप लोग जानते हैं ना, हिंदी में लाइन बिना छोड़े ही लिखा जाता है, इंग्लिश में भी बिना छोड़े, लेकिन बात करें उर्दू की तो ये आपके ऊपर है। आप लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं या फिर बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हैं, ये आप लोग के हैंडराइटिंग पर निर्भर करता है। आप लोग की हैंडराइटिंग कैसी है, आप लोग का हैंडराइटिंग बड़ा बड़ा है, आप लोग का फॉन्ट जो है वो बड़ा बड़ा है, तो आप लोग लाइन छोड़कर ही लिखें। अगर आप लोग छोटा छोटा लिखते हैं तो बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मेरी राय आप माने तो आप लाइन छोड़कर ही लिखें, क्योंकि लाइन छोड़कर लिखेंगे तो साफ और क्लियर दिखाई देगा। तो आप लाइन छोड़कर ही लिखिएगा, या तो आपके मर्जी के ऊपर है। देखिए, दोनों तरह से लिख सकते हैं, बिना लाइन छोड़े भी लिख सकते हैं और लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग लाइन छोड़कर ही लिखिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो ये फ्रंट पेज होता है जहाँ पर आप लोग का नाम और आप बोल सकते हैं आपका नाम और फोटो वगैरह चिपका रहता है, रोल कोड डालना होता है। तो यहाँ पर डाल लेने के बाद आप लोगों को पीछे चले जाना है। हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर इंग्लिश में आप लोग भरते हैं यहाँ पर अपना रोल कोड, रोल नंबर, और फिर एक पेज पलट कर और यहाँ से लिखना आंसर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता है। उर्दू क्योंकि दाएँ से बाएँ की तरफ लिखा जाता है, तो ये जो फर्स्ट पेज है ना, यहाँ पर आप लोग को जो भी भरना है रोल कोड, रोल नंबर भर दीजिए और इसी तरह 4 भागों में मोड़ कर अब पीछे चले जाना है, पीछे चले जाना है। देखिए, फ्रंट पेज है, इसी के ठीक पीछे चले जाइए और यहाँ से आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे कैसे, इस भी क्वेश्चन को आप लोगों का आंसर देना है, उस क्वेश्चन का नंबर डाल देना है। जैसे कि सबसे पहले लिखना है सवाल, और उसके बाद से सवाल नंबर कितना है जिसका आंसर देना चाहते हैं। मान लीजिए
क्वेश्चन नंबर वन का आंसर नहीं पता है, दो का भी नहीं पता है, तीन का आंसर पता है, याद है? तो तीन का ही सबसे पहले लिखिए। सवाल नंबर तीन लिख दीजिए, सवाल तीन, और फिर यहाँ पर लिखना है जवाब। और इस तरह आप लोगों को देखिए, एक बार मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, सवाल तीन और जवाब, यानी कि सवाल नंबर तीन का ये जवाब है, और यहाँ से आप लोगों को जवाब लिखना स्टार्ट कर देना है, आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। इसी तरह चार नंबर का लिखना है, चार नंबर का नहीं याद है, पाँच नंबर का लिखना है, तो सवाल पाँच और फिर जवाब, इसी तरह लिखना है। अगर पाँच में भी ए बी सी डी है, सवाल नंबर पाँच है और उसमें भी ए बी सी डी दिया है कि इसमें पाँच ठो बनाइए, दस ठो दिया है और बोल रहा है कि पाँच ठो इसमें से बनाइए, ए बी सी डी करके दिया है, तो इस तरह लिखना है। सवाल नंबर पाँच का ए का जवाब इस तरह, ठीक है? इस तरह आप लोगों को लिखना है। देखिए सवाल नंबर पाँच में ढेर सारा है ए बी सी डी करके क्वेश्चन, तो मान लीजिए आप लोगों को ए का आंसर याद है, तो सवाल नंबर पाँच ऐसे लिख देना है और फिर डैश देकर यहाँ पर ए लिख देना है और फिर जवाब, यानी कि सवाल नंबर जो पाँच है, क्वेश्चन नंबर पाँच, उसका ए नंबर का जवाब है, ठीक है? और इसी तरह आप लोग को बी का लिखना है, तो अब फिर यहाँ पर सवाल पाँच लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप लोग बी डाल दें और डायरेक्ट जवाब लिख दें, ठीक है? और फिर यहाँ पे बी का जवाब लिख सकते हैं, ठीक है? अगर सी का नहीं पता है, पाँच नंबर जो क्वेश्चन है उसका सी का नहीं पता है, डी का पता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर डी लिख दें, ठीक है? और जवाब लिख दें। फिर से यहाँ पर सवाल नंबर पाँच लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग पाँच लिख चुके हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, सवाल नंबर आप लोग यहाँ पर सात का आंसर लिख दिए हैं, सात का जवाब, यहाँ पर हाथ में लेकर लिखा भी नहीं जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझाने के लिए शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग सवाल नंबर सात का यहाँ पर जवाब लिख दिए, और फिर से अगर आपको याद आ गया कि पाँच नंबर का तो ए भी तो लिख दिए हैं, सी हमें याद है, और फिर से सवाल नंबर पाँच का सी आप लिखना चाहते हैं, तो अब फिर से आप लोग, क्योंकि यहाँ पर सवाल नंबर सात का आंसर यहाँ तक दे चुके हैं, तो अब फिर से आप लोग को लिखना होगा सवाल नंबर पाँच, और फिर पाँच का आप सी बनाना चाहते हैं ना, तो डैश देकर सी लिखिए और फिर जवाब लिखिए, इस तरह आप लोगों को करना है, ठीक है? और फिर अगर सी बन गया, डी यहाँ पर बना चुके हैं, ई नहीं पता है, एफ़ बनाना चाहते हैं, तो फिर से यहाँ पर एफ़ लिख देंगे और सवाल नंबर पाँच लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन में भी ढेर सारा क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फाइव में ढेर सारा क्वेश्चन है, दस तो क्वेश्चन है ए बी सी डी करके, उसमें का अगर ए का जवाब लिखना है, ए का आंसर पता है, तो सवाल नंबर पाँच और ए लिख दीजिए, जवाब लिख दीजिए, बी का पता है तो डायरेक्ट बी लिख दीजिए उसके नीचे, और बी लिखकर जवाब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, दोबारा सवाल नंबर पाँच यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसी तरह सी नहीं पता है, डी लिखना है, तो डी लिख दीजिए डायरेक्ट, दोबारा सवाल नंबर पाँच लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि सवाल नंबर सात का आप लोग यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि दोबारा इसी सवाल नंबर पाँच का आप लोग आंसर लिखें, तो अब आप लोग को क्या करना होगा, फिर से लिखना होगा सवाल नंबर पाँच, और जिस भी मतलब सवाल नंबर पाँच का जिस भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं, सी का मान लीजिए आप लोग को याद आ गया, ए भी लिखे थे, सी का नहीं पता था तो छोड़ दिए थे, और फिर दूसरा कोई क्वेश्चन लिख दिए थे, तो अब आप लोगों को सी याद आ गया, तो सवाल नंबर पाँच का और यहाँ पर फिर से सी लिखना है और जवाब लिखना है, इस तरह आप लोग को आंसर लिखना है, ठीक है? तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और वही बात यहाँ पर उर्दू में भी करना है, अगर मजमून लिखना है, ख़त लिखना है, तो कभी भी आधे पेज से स्टार्ट ना करें, एक नए पेज से शुरुआत करें, ख़त या फिर मजमून निबंध लिखने की, यहाँ पर लिख दें जिस भी आप लोगों को टॉपिक पर मजमून लिखना है, उसका नाम लिख देना है, एक नए पेज से शुरुआत करना है, कभी भी आधे पेज, अगर आधे पेज पर कोई दूसरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पर भले ही दूसरा कोई क्वेश्चन का आंसर लिख दे, लेकिन कभी भी एक नए पेज से शुरुआत करें, खत या फिर मजमून लिखने की यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पर हिंदी में भी ज़रा बता दूँ कि हिंदी में भी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फाइव है और उसमें भी ए बी सी डी करके देता है, ठीक है? उसमें भी ए बी सी डी करके देता है, तो आप लोग को क्या करना है, प्रश्नोत्तर, इसमें भी बता दे रही हूँ ज़रा, प्रश्नोत्तर और फाइव, मान लीजिए फाइव है और फाइव का आप लोगों को ए बनाना है, तो फाइव डैश देकर ए लिख देना है, ठीक है? और फिर मान लीजिए ए बी सी, क्वेश्चन नंबर फाइव में भी ए बी सी डी करके दस क्वेश्चन दिया है और उसमें से आप लोगों को पाँच बनाना है, तो प्रश्नोत्तर पाँच लिख देना है और डैश देकर ए का, अगर पता है पाँच का ए का, तो ए का ए लिख कर और आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है, बी नहीं पता है, सी का पता है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पर सी लिख दीजिए और आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अब दोबारा प्रश्नोत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नोत्तर आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, प्रश्नोत्तर पाँच का ए, ए का जवाब लिख चुके हैं ना, अब प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन नंबर पाँच का ही आंसर दे रहे हैं सिक्स सी का, तो सी लिख दीजिए डायरेक्ट, दोबारा प्रश्नोत्तर पाँच लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, प्रश्नोत्तर सिक्स का आंसर देकर, और फिर चाहते हैं प्रश्नोत्तर फाइव का ही हम आंसर लिखे डी का, तो फिर यहां पर आप लोगों को प्रश्नोत्तर
5 का और फिर डे लिखना होगा, इस तरह आप लोगों को करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। साइंस में भी प्रश्नोत्तर ही लिखना है या फिर SST हो प्रश्नोत्तर, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो प्रश्नोत्तर लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी लोगों का, लाइन छोड़कर लिखें या सटा करिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग लाइन छोड़कर लिखना चाहते हैं तो लाइन छोड़कर लिख सकते हैं, बिना लाइन छोड़े लिखना चाहते हैं तो ये आपके मर्जी के ऊपर है, बिना लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो लाइन सटाकर ही लिखा जाता है, बिना लाइन छोड़े ही लिखा जाता है, लेकिन बात करें उर्दू की तो उर्दू में आप लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं और लाइन बिना छोड़े भी लिख सकते हैं, ये आपके मर्जी के ऊपर है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग लाइन छोड़कर ही लिखें। उसके बाद से चौथा सवाल है कि आंसर नहीं पता क्या करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट के माइंड में रहता है आंसर नहीं पता। आप लोग गए एग्जाम देने के लिए, आंसर नहीं पता, कोई कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसका आंसर आप लोग को साफ ही नहीं पता रहता, उसका कोई ABCD नहीं मालूम रहता है, तो अब क्या करेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले तो जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद है उसको बना लें। सभी क्वेश्चन को बना लेने के बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसका आंसर नहीं पता, तो उस वक्त भी आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, छोड़कर नहीं आना है। ध्यान रहे, कभी भी किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है। अब आप लोग कहेंगे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर नहीं पता है उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, नहीं पता है तो भी लिखिए लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि सर सैयद अहमद खां के बारे में 5 जुमले लिखिए, सर सैयद अहमद खां के बारे में 5 सेंटेंस लिखना है, आप लोग क्या करेंगे? आंसर नहीं पता है आप लोगों को, सारे क्वेश्चन का आंसर लिख कर बैठ गए हैं, बस यही क्वेश्चन पर जाकर आप लोग अटक गए हैं, आंसर नहीं पता है, तो इसका भी आप लोग आंसर लिखेंगे। भले ही आप लोगों को सर सैयद अहमद खां के बारे में नहीं पता है ना, लेकिन मिर्ज़ा गालिब के बारे में पता है ना, तो मिर्ज़ा गालिब की जितनी भी मतलब मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप लोग जो भी जानते हैं वो मिर्ज़ा गालिब की सारी डिटेल्स आप लोग लिख दीजिए, लेकिन नाम रखिए सर सैयद अहमद खां का, मिर्ज़ा गालिब की जगह सर सैयद अहमद खां लिखिए, लेकिन सारा डिटेल्स लिखिए मिर्ज़ा गालिब का। और इस तरह किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं पता है उसमें डाल देना है। साइंस का एग्जांपल लेकर समझते हैं। साइंस में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन करें, सारा क्वेश्चन लिखकर बैठ गए, इसी क्वेश्चन पर आप लोग जाकर अटक गए हैं कि किस तरह लिखें, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन याद ही नहीं है। विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन करें, नहीं पता है आप लोगों को, लेकिन विद्युत जनित्र के बारे में नहीं पता है ना, उससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा आप लोगों को, विद्युत मोटर के बारे में पता होगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पता होगा, कुछ भी जानते होंगे आप लोग, बस किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर डाल दीजिए उसी में, लेकिन कॉपी को खाली छोड़कर नहीं आना है। वैद्युत मोटर के बारे में ही लिखिए, लेकिन वैद्युत मोटर की जगह विद्युत जनित्र डाल दीजिए, विद्युत जनित्र नाम रखिए क्योंकि विद्युत जनित्र के बारे में पूछा है। मतलब किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर डालिए लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, किसी भी हाल में उसको छोड़कर नहीं आना है, कॉपी खाली छोड़कर नहीं आना है। देखिए यहाँ पर होता ही है ना कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो देखता है कि चलो गलत ही लिखा है लेकिन लिखा है ना, तो 1-2-3 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग कॉपी खाली छोड़कर चले आएंगे तो 1 नंबर भी मिलेगा, घंटा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर नहीं पता है उसका भी आंसर लिखना है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखिए, कॉपी को खाली छोड़कर नहीं आना है, भर कर आना है, पूरा पेज भर कर आना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन छूट गया अब क्या करें। अभी मैं आप लोगों को बताई कि क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, सभी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लिख कर आना है, लेकिन अगर किसी कारणवश क्वेश्चन छूट जाता है, 1-2 क्वेश्चन, फर्स्ट दिन है, पहला दिन स्टूडेंट के साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है, अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पहला दिन फर्स्ट दिन थोड़ी बहुत गड़बड़ी चलती है, 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, तो अगर 1-2 क्वेश्चन छूट गया तो क्या अब आप लोग उसको टेंशन लेकर बैठेंगे, बार बार उसी को सोचते रहेंगे कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, फिर 2 क्वेश्चन छूट गया, अब क्या करें, टेंशन लेकर बैठे रहेंगे? क्या अब आप उसको सुधार कर सकते हैं? अगर सुधार कर सकते हैं तो टेंशन लीजिए, दोबारा आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं उस सब्जेक्ट का जिससे आप लोग का क्वेश्चन छूटा है, तो आप टेंशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप लोग सुधार नहीं कर सकते। 1-2 क्वेश्चन छूट गया तो छूट गया, वो वक्त गया जब आप पीछे मुड़कर देख सकते थे, सुधार कर सकते थे, लेकिन अब तो आप दोबारा सुधार कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम चला गया। जितना समय आप लोग टेंशन लेने में लगाएंगे ना, अगर उतना ही समय नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगाते हैं, अगले सब्जेक्ट की तैयारी करने में लगाते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग का अगला एग्ज़ाम और भी बेहतर जाए।
तो जो क्वेश्चन आप लोग का छूट गया, एक दो क्वेश्चन छूट गया तो छोड़ो भाई, छूट गया तो छूट गया, अब उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, अब उसको टेंशन लेकर नहीं बैठना है, छूट गया तो छूट गया, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, अगला कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उस पर फोकस कीजिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, जिस सब्जेक्ट का आप लोग का जिस दिन एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले उसी सब्जेक्ट की तैयारी करें। जैसे कि कल आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम है तो आज आप लोगों का टोटल फोकस मैथ पर होना चाहिए, मैथ की आज दिन भर तैयारी करें, रात भर तैयारी करें, रात भर आप लोगों को समय से सोना भी है तो 9-10 बजे तक आप लोग तैयारी करें, उसके बाद सो जाए, अगले दिन आप लोगों का मूड फ्रेश भी रहना चाहिए। तो जिस वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले उसी सब्जेक्ट की तैयारी करें। कल आप लोग का मैथ है तो आज आप लोग को मैथ पर फोकस होना चाहिए, फिर उसके अगले दिन साइंस है तो साइंस का अगर एग्ज़ाम है तो उसके एक दिन पहले साइंस पर आप लोग का फोकस होना चाहिए। मैथ का एग्ज़ाम निकल गया, आप साइंस पर फोकस करो, फिर अगले दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो, मतलब जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले उसी सब्जेक्ट पर आप लोग को फोकस करना है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव कितना आसान और कितना मुश्किल। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव आसान होता है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि ये आप लोग का सोच गलत है। जितना आप लोग आसान समझते हैं ना उतना आसान है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो डायरेक्ट गलत होता है। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, एक छोटी सी गलती करते हैं समझने में और दूसरा कोई ऑप्शन लगा देते हैं तो वो डायरेक्ट गलत हो जाता है, या तो सही या तो गलत। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर आप गलत भी आंसर लिखते हैं तो एक दो नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट गलत नहीं तो डायरेक्ट सही। बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल्का ले लेते हैं, आसान समझते हैं, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, या तो डायरेक्ट सही या तो डायरेक्ट गलत, खतरनाक टाइप का ये क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसीलिए जिस दिन आप लोग का जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है ना उसके एक दिन पहले हर रोज़ शाम 6 बजे इस ज्ञापन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव का, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। शाम 6 बजे का लाइव क्लास आप लोगों को अटेंड करना अनिवार्य है, किसी भी परिस्थिति में आप लोगों को शाम 6 बजे का लाइव अटेंड करना है, 6 बजे के लाइव में जुड़ना है इस ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर, और सारे ऑब्जेक्टिव पर आप लोग का कमांड होना चाहिए ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आए। आप लोग को पता होगा कि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव कराती हूँ या फिर इस एकेडमी के जितना भी कंटेंट दिया जाता है, जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है ज्ञापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, वो सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड सिटिंग वाले स्टूडेंट का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है भाई, जितने भी स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम सेकेंड सिटिंग में पड़ा है द्वितीय पाली में, उनके लिए खुशी की बात है। पता है क्या, जितने भी फर्स्ट सिटिंग वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर निकलेंगे उनके क्वेश्चन पेपर को देखकर आप लोगों को एक तरह से अनुमान मिल जाएगा कि हाँ किस किस तरह से क्वेश्चन उठाए, कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से, तो एक तरह से अंदाज़ा लग जाता है। तो ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि पहले ही जो फर्स्ट सिटिंग वाले हैं उनका क्वेश्चन पेपर देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और आप अपने थोड़ा सा तो आप अपने आप बोल सकते हैं एक तरह से चौकन्ना हो सकते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आप लोग के एग्ज़ाम में और कौन कौन से टॉपिक से, तो ये आप लोग के लिए खुशी की बात है। तो सेकंड सिटिंग वाले स्टूडेंट या फिर फर्स्ट सिटिंग वाले स्टूडेंट, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोर देन वीडियोज़ ज़रूर देखें, यानी कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाई गई है, सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। क्लास 10th का उर्दू करवा दिया गया है, नॉन हिंदी करवा दिया गया है, जो स्टूडेंट संस्कृत लिए रहते हैं संस्कृत वाले स्टूडेंट का भी हिंदी करवा दिया गया है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाया गया है, यहाँ तक कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स मैथ का, मतलब ऑल सब्जेक्ट की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करवाई गई है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। चलिए मैं आप लोग को डेस्कटॉप पर चलकर ही दिखाती हूँ कैसे, स्क्रीन पर मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसे आप लोग को सारा कॉन्टेंट मिलेगा, सारा वीडियोज़ कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो जैसे ही आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे ज्ञापन अकेडमी, वैसे ही आप लोगों को ज्ञापन अकेडमी का लोगो दिखाई देगा, इसी लोगो पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही लोगो पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और देखिए यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है होम, वीडियोस, शॉर्ट्स, लाइव, और लाइव के बगल में ही क्या है, प्लेलिस्ट लिखा हुआ, यही है प्लेलिस्ट, इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहीं पर आप लोगों को सारा कंटेंट और सारा वीडियो मिलेगा। देखिए सबसे पहले 10th क्लास के सिविक्स का, इसमें 3 वीडियो है, इस पर क्लिक करेंगे तो तीनों वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ये 10th क्लास के सिविक्स करवाया गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों का सिविक्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से 10th क्लास का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, यहाँ से आप लोगों के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाने वाला है, ज्योग्राफी का टेंशन ख़त्म। ठीक है, आगे देखिए सारा वीडियोज़ और सारा कॉन्टेंट यहीं पर है। 10th क्लास के उर्दू का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराई हूँ आप लोगों के लिए,
जो कि ये भी आप लोगों के लिए अमृत के समान है। 2-3 नंबर और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ, तो इसको आप लोगों को देख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, इसमें भी 3 वीडियो है और इसमें भी 3 वीडियो है, तो ये सारा वीडियो आप लोगों को देख लेना है, सारे कॉन्टेंट अपने माइंड में इकट्ठा कर लेना है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव करवाया गया है, इसमें भी 3 वीडियोज, और 10th क्लास के मैथ का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए करवाया गया है। ये जो मैथ का ऑब्जेक्टिव है ना, ये आप लोगों के लिए अमृत के समान है, तो सारे ऑब्जेक्टिव पर आप लोगों का कमांड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, 10th क्लास के साइंस का ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा करवाया गया है, तो साइंस का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं आप लोग, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, 10th क्लास के हिंदी का काव्यखंड, जो कि संस्कृत वाले स्टूडेंट का हिंदी है, वो भी पढ़ाया गया है, और 10th क्लास के नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव भी मैं कराई हूँ और चैप्टर भी पढ़ाई हूँ। यहाँ पर 10th क्लास के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, 10th क्लास के उर्दू का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑल चैप्टर का 3 से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराई हूँ। 12th क्लास का तो नहीं, मतलब आप लोग 12th क्लास के नहीं स्टूडेंट, 10th क्लास के हैं, यहाँ पर 12th क्लास के 10th क्लास का सभी, मतलब सभी क्लास का कंटेंट अवेलेबल है। और देखिए, उर्दू दरक्षा 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई हूँ, हिंदी ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम, उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम, क्लास 10th रोशनी बुक, यहाँ पर सारा कंटेंट मिल जाएगा। बस आप लोगों को यहाँ पर चले आना है और जिस चीज़ की ज़रूरत है आप लोगों को, सारे वीडियोज़ को आप लोगों को देख लेना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों को क्या करना है, 10th क्लास के सिविक्स, इसमें 3 वीडियो है, और 10th क्लास का ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव, 10th क्लास का उर्दू सब्जेक्टिव, और 10th क्लास का जो इकोनॉमिक्स है, और जितना भी हिंदी ग्रामर का मैं ऑब्जेक्टिव कराई हूँ, 10th क्लास का मैथ ऑब्जेक्टिव हुआ है, साइंस ऑब्जेक्टिव हुआ है, 10th क्लास का जितना भी हिंदी और नॉन हिंदी हुआ है, और उर्दू का जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराई हूँ, ये सारे पर आप लोग का कमांड होना चाहिए। एक एक करके आप लोग को सारा वीडियो देख लेना है, और जितना भी क्वेश्चन करवाया गया है, सारे कॉन्टेंट को अपने माइंड में इकट्ठा कर लेना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप लोगों को ज्ञापन एकेडमी के लोगों पर क्लिक करके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आकर और सारे कंटेंट को देख लेना है और अपने माइंड में इकट्ठा कर लेना है। चलिए, तो एक बार लास्ट में फिर से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, और इसे एकेडमी के सभी शिक्षकों की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, दुआएँ और शुभकामनाएँ। आप लोगों का एग्ज़ाम दी बेस्ट जाए, आप लोग बहुत बढ़िया से एकदम ज़बरदस्त लिख कर आएँ, ढेर सारी दुआएँ और आशीर्वाद हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो जितनी भी बातें आप लोगों को बताई, आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई, समझ में आया, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे चारों तरफ जितना ज़्यादा हो सके, अपने पड़ोस के अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, एग्ज़ाम से पहले वो इन सभी सावधानियों को बरत सके, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।